हेलो गाइस, वेलकम टू उमंग क्लासेस और मैं हूँ पूनम मुरारकर। आज का हमारा टॉपिक है क्रंचीज। आजकल ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन देखते हो आपको हर जगह ये मिल ही जाएंगे। आपको 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ तक मिल जाते हैं और ये वेस्ट कपड़े से बनता है। बेसिकली ये बहुत मेन है इसमें। अगर आपका ड्रेस का कुछ कपड़ा बच गया तो ऑफकोर्स आप उससे बना सकते हैं। किसी भी छोटे छोटे कपड़े से आप बना सकते हो और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। चलिए तो हम इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 13 से 14 इंच लंबा कपड़ा और चौड़ाई में 6 इंच। देखिए, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है और आपको एक साइड से सिल लेना है। बराबर से सिल लेना है आपका कपड़ा, एक के ऊपर एक बराबर से। आपको ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा बराबर हो। ठीक है, आपने इस तरीके से सिल दिया है। धीरे धीरे ओके। जैसे आपका स्टिच करके हो जाता है, ये एक्सेस जो थ्रेड निकल रहे हैं मेरे, तो मैं इसको काट देती हूँ क्योंकि वो बहुत और आगे जाके और अटक जाएंगे। और इसको मैंने पलटा लिया है। ये बहुत इजी होता है, बहुत इजीली आप इसको पलटा सकते हो। इसके लिए आपको अलग से सुई की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत इजीली ये पलट भी जाता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको पलटा लिया है। इसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए हमने लिया इलास्टिक। अब इलास्टिक आप कितना लोगे, जितना आपका कपड़ा है उसके आधा, उसका आधा अप्रोक्स आप इलास्टिक लोगे। इसको मैंने पिन में डाल दिया है और एक साइड से डाल के मैं इसको दूसरे साइड से निकाल रही हूँ। देखिए, ये निकल चुका है यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, जो दोनों इलास्टिक के एंड्स है, ठीक है, पिन मैंने निकाल दिया, जो इलास्टिक के एंड्स है उसको मैं एक दूसरे के साथ बांध लेती हूँ, मैं स्टिच कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसको स्टिच कर लिया है और हमें उसको लॉक भी करना है। आप याद रखिए कि अगर जब आप स्टिच करते हो इलास्टिक, जब आप स्टिच करते हो तो वो निकल जाता है, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से वो निकल जाता है। इसलिए जब भी आप इलास्टिक स्टिच करते हो उसको लॉक करना ना भूलिए। इस तरीके से मैंने उसको पलटा के फिर से मैं उसको लॉक कर रही हूँ। ये सादी मशीन अगर आपके पास है तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है तो उसमें डायरेक्टली रिवर्स वाला एक सिस्टम होता है। ये मेरा अभी देखिए बन चुका है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, जो मेरा कपड़ा है उसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ और उसको मैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूँगी। ठीक है, अब ये मेरा सेटिन का कपड़ा है जो बहुत ज़्यादा धागे छोड़ता है, तो आप देख सकते हैं वो बराबर एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे उसे अच्छे से एडजस्ट करना है कि अंदर के जो कपड़े के धागे हैं वो बाहर ना निकले। और ये पार्ट अगर आप हम ऊपर से ही स्टिच करने वाले हैं, लेकिन उससे कोई यानी आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर हम कवर करने वाले हैं। अब कवरिंग के लिए हम लोग लेंगे एक कपड़ा। ये मेरे पास एक टुकड़ा ही था, मीन्स मैंने ऐसे कोई मेजरमेंट उसका लिया नहीं। आप बस शेप देख लीजिए, उसमें आपको छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, जिस तरीके से भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। मैंने एक फोल्ड किया, अब मैंने दूसरा फोल्ड किया है। ठीक है, देखिए अब इस तरीके से मैं शेप बनाने वाली हूँ। तो मैं बहुत यूज टू इन चीज़ों से, तो मैं डायरेक्टली इसको कट कर सकती हूँ। अगर आपको करना है तो आप इसको ड्रॉ कीजिए, जो टेलर चौक आता है उससे आप ड्रॉ कीजिए। और ये आसान है, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरीके से आपको जैसा शेप चाहिए, आप नीचे से चौड़ा रखना चाहते हो तो चौड़ा रखिए, मुझे पॉइंटेड रखना था सो मैंने पॉइंटेड रखा है। इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमको शेप मिलेगा। इसको हमें स्टिच कर लेना है। ठीक है, देखिए हम लोग जो पॉइंट निकला है वहां से हम स्टिच करना शुरू करेंगे। यहां से धीरे धीरे शेप के साथ स्टिच करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने फिंगर्स का यूज कर सकते हैं उसको एक साथ रखने के लिए। कर्व्स पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि कर्व्स में कभी कभी बाहर तक हम सिलाई लेके आ जाते हैं। अब हमको आना है ऑलमोस्ट इसके सेंटर तक, मीन्स ऑलमोस्ट बट सेंटर के पहले ही रुक जाना है। देखिए मैं यहाँ तक आई, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलाई उठा लेंगे। ठीक है, और थोड़ा लाइक मान लीजिए कि 1 या 1.5 इंच के बाद से हम फिर से सिलाई करना शुरू करेंगे। जैसा शेप दिया गया है
वैसा ही आपको सिलना है। सेम जो हमने पहले वाले कर्व में किया था, बस हमने क्या किया है, बीच में से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ दिया है जिस पे हमने सिलाई नहीं की है। ये बराबर आप एंड तक लेके आइए। एंड तक लेके आने के बाद ऑफ कोर्स आप धागा आपको कट कर लेना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लॉक कर देती हूँ ताकि कभी कभी एंडिंग की सिलाई ना निकल जाती है, तो इसलिए मैं जब भी कुछ बनाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरी सिलाई निकलने वाली है तो मैं उसको लॉक कर देती हूँ। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है एजेस पे वो मैं कट कर रही हूँ। ये जो फैब्रिक मुझे लग रहा है जिसमें धागे बहुत छूट सकते हैं उसको मैं कट कर देती हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे भी धागे हैं तो मैं इसको कट करने वाली हूँ। अब मैंने इसको कट कर दिया है। अब सेंटर से हम इसको खोलने वाले हैं। अब सेंटर से हम एक साइड से खोलेंगे। आपके पास अगर सुई है जो क्रोशिया की सुई होती है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपका ये बहुत ही ईजी था और सैटिन है तो ये बहुत ईजीली पलट जाता है, इसके लिए आपको कुछ भी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ये आप अपने फिंगर्स से ही पलटा सकते। देखिए लेकिन बस ध्यान रखिए कि बराबर वो पॉइंट भी बाहर तक निकले, कभी कभी वो पॉइंट रह जाते हैं तो वो लुक नहीं आ पाता उतना। तो हमने एक साइड खोल दिया, अभी हम दूसरा साइड खोल लेते हैं। इसको आप फिंगर्स से ही खोल सकते हो जैसे कि मैंने बताया आपको। ये निकल गया है, हम इसको पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बराबर से वो पॉइंट बाहर तक आए। ठीक है, आप ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसे किसी भी इस पे पहन सकते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा इन है जैसे कि मैंने बताया, ये आपको हर वेबसाइट पे मिल जाएगा, हर कहीं मिल जाएगा। अभी देखिए हमारा जो बो था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत धागे छोड़ता है, तो ये ऊपर निकल के आ गए उसके धागे, फिर से वो खुल गया। तो हम इसको फिर से एक बार एडजस्ट कर लेते हैं कि और उसकी उसके धागे ना निकले। अगर वो धागे निकलेंगे तो ऑफकोर्स वो फिनिश नहीं लगेगा, तो हम लोगों ने उसको एडजस्ट कर लिया है। और इसको मैंने क्या किया, इसके ऊपर बांधना है। ठीक है, देखिए मैंने इसको अंदर से निकाल लिया है और इसके ऊपर मैंने इसको बांध लिया है। तो इसको ऊपर बांधने से अगर आपको लग रहा है कि धागे थोड़े ज्यादा निकलेंगे तो आप उसको टू नॉट्स बांध सकते हो। देखिए मैंने बहुत ही मजबूती से वहां पे नॉट्स बांध लिए हैं और ये अच्छे, आप अच्छा रबर का यूज करोगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो उसकी इलास्टिसिटी जल्दी नहीं जानी चाहिए। ये देखिए बहुत ही प्यारा दिख रहा है यहाँ पे, और बालों पे भी जैसे अगर आप लगा ये ट्राई करोगे अगर आप अपने घर में, तो इसके लिए आप हाथों से भी इसको बना सकते हो। Thank you for watching. Subscribe Umang Classes.